तंत्र के माध्यम से पत्थर निकालने की क्रिया तरीके से वो पत्थर निकालता है, ठीक वो वही तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं उसे मिला नहीं हूँ, पर मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि मैं 25,000 मील ऊपर उठती हुई चिड़िया को भी पहचान लेता हूँ कि ये कौन सी चिड़िया है। आप यू काटा थोड़ा सा मतलब, और मैं आपको फिर कहता हूँ कि अपने गुरु की स्वागत लेकर कहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस में उतारिए। जब उतारेंगे तब आप लोगों का यश प्राप्त कर पाएंगे, तब आपका नाम अपने गांव में फैल पाएगा, पास इलाके में फैल पाएगा, और जब आपका नाम फैलेगा तब ये एहसास होगा कि मेरे वास्तव में सही गुरु थे, तब मैं आज इतना प्राप्त कर सकता हूँ। ये कहता हूँ, ये तो एक चीज उसके पास है, न उसको बला महाबला विद्या है, न साबर मंत्र है, न कोई भूत सिद्धि है, न कोई दूसरी चीज है, न कर्ण पिशाच नहीं है, एक चीज है। और एक चीज के हाल की यह है कि 10,000-5,000 लोग पड़े रहते हैं, 30 दिन नंबर आता है उसका। अब उसकी प्रशंसा यह सम्मान कितना होगा उसकी तो कल्पना करिए। आपको तो नहीं जानता मोहल्ले का दूसरा मोहल्ला भी, अगर पैसा प्राप्त करना चाहे, अगर वो 100 रुपये भी एक पत्थर का निकाल लेके देना चाहे तो एक दिन में कम से कम 25,000 रुपये मसल तो दीजिए पानी डाल करके, और मसल करके और नाभि के पैरेलल। अब आपको ये तो मालूम होगा नहीं कि इसमें पत्र किस जगह, या तो वो बताएगा जहां दर्द होती है, और पत्र घूमती रहती है पूरी जगह टिकती नहीं, क्योंकि गोलियां भी लेंगे तो पत्र नीचे टिक जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, कभी मेढे में आ जाएगी, कभी मूत्र से में आ जाएगी, मूत्र मिले में आ जाएगी, और यदि दवा को देंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि मगर जो नाभि है उसके बिल्कुल पैरेलल दोनों साइड में। और अब की आप बनी जी जब जाए तो बनी जी कहूंगा वो देख लेना, वो आटा खा, वो आटा नहीं चुपका देगा, आटे में आएगा पत्र का नहीं, वो आटा ही चिपकाएगा और गेहूं का आटा ही चिपकाएगा। ये तांत्रिक विद्या है, तांत्रिक विद्या समझा रहा हूँ, वही चीज है। गेहूं का आटा आप मिसल रहे या उसे मिसलवा दे, ये उससे इसलिए मिसलवा रहा है कि मैं कितना सिद्ध हूँ, मैं उतरे हाथ में लगा रहा हूँ, मैं कोई मछली डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब है। उससे मिसलवा लो, पर मैं तो 5 मिनट में बैठूंगा तुम आटा मिसल अदाकारी करें तो पूरी कर दो मिसाल तुमने क्या देखेगा सारा क्या याद करेगा। आटा मिसलवा दीजिए 100 ग्राम 150 ग्राम या 200 ग्राम आटा गेहूं का, इतना आटा मिसल जैसे आप रोटी बना रहे हैं, गेहूं की रोटी जैसे गेहूं बनाते हैं वैसा मिसल दीजिए आटा। उसके बाद उसके 3 टुकड़े कर दीजिए उस आटे के, 300 ग्राम आटे के 3 टुकड़े बना दीजिए या 200 ग्राम आटे के 3 टुकड़े कर दीजिए मिसलने के बाद में, और फिर नाभि के पैरेलल इस साइड में उस साइड में आप आटे का एक गोला सा लगा दीजिए, एक गोला चाहे आप लगा दीजिए या उसको कर दीजिए, तुम्हें लगा दे जगह आप बता दीजिए उसको, ये पहले होना चाहिए क्योंकि वहां अगर स्थिति खींच के आएगी। नाभि तो पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है, की पॉइंट है, जब पूरे शरीर का रोग उस नाभि में अपने आप आ जाएगा। ऐसी विद्या ये है कि आप शरीर का कहीं भी रोग है खींच करके वहां आएगा जाएगा, चाहे शरीर में कहीं पर भी पथरी हो, चाहे मूत्र से भी पथरी है खींच करके ऊपर आ जाएगी, वो मंत्र के माध्यम से आएगी और आनंद करेगी। आटा ना चिपका दीजिए और मंत्र बोलिए, मंत्र में लिखवा देता हूं, और मन में बोलिए मंत्र, धूरा डू एच यू आर ए धूरा कीला ओम धूरा कीला भा भर भा भर ढाके तो बुंदी भा भर चूला। अभी सागर मंत्र आप दस मिनट मिले अर्थों में पहुंचना नहीं है, जब मैं अर्थों में पहुंचेगा तो फिर आप और कहीं खो जाएंगे। चूला पाथर पाटी, पाथर पाटी
आवे रीला आर आई एल ए लावे रीला सुना सिंह पहले तुझे नोट करना है, तुझे मुझे काम आ गया सुबह जरूरी है। हाँ और ये तुझे करना है लावे रीला हाथ हाथ बटावे पूरा पहाड़ लावे जो मिलावे तो चमारी की कुंड में पड़े बस इतने मंत्र है। अब मैं इसकी टेक्निक समझा रहा हूं, टेक्निक जरूरी है, अंत केवल मंत्र से काम नहीं चलेगा। आटे का गोला अपना लगा दीजिए, ये नदी है इसके बिल्कुल में खींच लीजिए और यहां पर पांच लिया खड़ी हो जाती है, पीछे का हिस्सा जहां पेट शुरू होती है जहां पेट खत्म होता है बस यहां से अंदाजे लगा दीजिए और उससे एक आठ ऊंच ऊंचा नीचा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पांच लिया होती बस ये साइड और इधर ये साइड होगी बस। आप यहां पर पहले आटा लगा दीजिए, ये मंत्र बोल जाइए और तीन बार मंत्र बोलिए, फूंक मार दीजिए, पथरी पेट में से सीधी उस आटे के अंदर आ जाएगी। और दूसरी बार इस साइड में, तीसरी बार नाली पर, अच्छा बस तीन गोली। अब शरीर में जितने भी टुकड़े होंगे छोटे छोटे वो आ जाएंगे। मगर इसके लिए थोड़ा सा एक और कुछ करना पड़ेगा, वो भी आपको बताइए, बहुत जरूरी है, तब ऐसा होगा। ये तो वह मंत्र, ये हुई विधि, इसको शुद्ध करने का ये तो विधि मैंने बता दिया। सिद्ध कैसे की जाती है, करना क्या है, बस वो मैं आपको बता देता हूं। ये मंत्र सिद्ध करने के लिए आप अपने किसी भी शनिवार को, किसी भी शनिवार को काले तिल 100 ग्राम ले आइए, तो उसमें सफेद तिल नहीं होने चाहिए, बस काला तिल होना चाहिए या चुन लें, अगर काले सफेद मिक्स है तो काले काले चुन लीजिए, पहले से निकाल के तैयार रखिए। काले तिल चुन करके 100 ग्राम अंदाजन तिल लेकर के सिलबट्टे पर उसको थोड़ा सा पीस करके लुगदी बना दीजिए। थोड़ा पानी डाल लुगदी से बना दीजिए उसको, और लुगदी बनाने के बाद उसकी 108 गोली बना दीजिए। उसके बाद शनिवार को ही और शनिवार की रात्रि को, शनिवार की रात्रि को और रात कहलाती है 9 बजे से 3 बजे के बीच में, और मेरे राय में आपके लिए बहुत ज्यादा सही, अगर 100% इफेक्टिव होना ही है आपको तो ये कार्य करिए शनिवार की रात को 12 से 1 बजे के बीच में, तो मध्य रात्रि कहलाती है, किसी भी शनिवार को, और 108 गोलियां उसकी बना करके और एक बार मंत्र पढ़िए, एक गोली नहीं लीजिए, फिर दूसरा मंत्र पढ़िए, दूसरी गोली खा लीजिए, तीसरा मंत्र पढ़िए, तीसरी गोली खा लीजिए, चौथा मंत्र पढ़िए, चौथी गोली खा लीजिए, पानी के गिलास पास में रखिए, अगर गले में अटक रहा हो गोली तो आप पानी पी लीजिए। तो 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 गोलियां खा लेनी है, कुल ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम तिल पेट में जाएंगे, उसमें कोई नुकसान कुछ है नहीं, तिल तो आप घर में खाते ही, उस मंत्र के साथ उसको निकल लेना है। अगले शनिवार को भी ऐसा करना है, फिर अगले शनिवार को ऐसा करना है, 3 शनिवार ऐसा करना है। यह हुआ सिद्ध करने का, मंत्र सिद्ध करने का तरीका। मुझे बोली बीजे सुखानी है, सुखानी खानी है, बनाई खा ली बनाई बनी क्या
गर्मी करीब 14 सेकंड है, उसी दिन नवी नियम फल जाए बस वो 2 सेकंड के अंदर। अब उसके बाद बहुत सीधा मंत्र है, बहुत सीधी विधि है, अब उसमें कोई एडिट नहीं है। अब उसमें क्या करिए, बस आगे से इतना सा और है कि जिस दिन आपको उपयोग करना हो तब आपको सुबह भी यही क्रिया करनी पड़ेगी, हाँ सुबह उठ करके आपको 108 गोलियां खानी पड़ेगी। तो 24 घंटे आप उस विद्या के लिए मार रहेंगे। और वो स्वामी जी वो सन्यासी जो है वो डेली ऐसा करता ही होगा, एक कम सभी सुबह 4 बजे उठ के करे, 3 बजे उठ के करे, 2 बजे उठ के करे, 8 बजे उठ के करे, ऐसा वो करेगा। और 24 घंटे तक वो 1000 पत्रियां निकाल सकता है, 5000 लोगों को निकाल सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा करने के बाद में एक तरीका ये करिए कि इसको तो सिद्ध कर दीजिए, पहले तो 3 शनिवार में सिद्ध हो जाएगा, और सिद्ध हो जाएगा गारंटी से निकलेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई मंत्र जाप को लंबा चौड़ा विदेन टेक्निक है ही नहीं। ये जो मंत्र है वो अपने आप में साबर सिद्धि मंत्र है ही। कुछ साबर के ऐसे मंत्र होते हैं जो ट्यूब रिफ्लेक्टेड होते हैं, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड होते हैं, और उसके बाद में आप हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लीजिए कि मैं शनिवार को पत्र निकालूंगा, भाई जो भी आएगा मुझे, तो आपको एक दिन ऐसा, बाकी आप रोज करना चाहें तो रोज कर सकते हो, बाकी आप एक दिन तो ऐसा रख सकते हो। जो लोगों को मालूम करने लगेगा तो फिर लोगों की भीड़ लगने लगेगी, फिर आप बस आटा मसला ये तीन लगाइए, पत्र निकाल सकते हो, उसको दे दीजिए। और पत्र की पहचान ऐसी है कि पत्र दोनों प्रकार की होती है, सॉलिड भी होती है, डॉक्टरों की भाषा में तो मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टरों की भाषा में तो वो चिटक जाती है, ऐसा तो पिघलने लग जाती है, अंदर तो पिघलती है, दवाओं से पिघलती है, हवा में भी वो उसका वेट कम होने लगता है और टुकड़े भी होने लगते हैं। मगर कुछ पत्थरें ऐसी होती हैं बहुत सॉलिड पत्थर की तरह होती है, वो न पिघलती है न टूटती है और बिल्कुल सॉलिड रहती है, दोनों तरह की पत्थरें होती है। वो वैसी जो पत्थरी होती है वो बहुत तकलीफ देती है, वो हाथों को काट दी जाती है, तो दोनों तरह के पत्थर होते हैं, और पत्थर इतना बड़ा भी हो सकता है अब आपको पता नहीं पड़ेगा, और कई बार तो एक्सरे में नहीं आता है पत्थरी, क्योंकि उसका चारों तरफ मांस लिपट जाता है, मांस लिपट जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर है, पत्थरी नहीं है, ये ट्यूमर है, क्योंकि उसको वैसा लिपट जाता है। तो साइंस के उपकरण जो है वो अपनी जगह ही काम आ सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर भी निकल सकता है पेट में से और बिल्कुल सॉलिड काला ऐसा जैसे कोई पहाड़ का पत्थर हो, वैसा भी निकल सकता है। और नॉर्मल वे में जो पत्थरियां दोनों तरह की होती है, बताए वैसी होती है जो कुछ वजन में हल्की होती है, आधा में रखो तो थोड़ी पीड़ी में लग जाती है और चटाक चटाक टूटने लग जाती है, टुकड़े होने लग जाते हैं, वैसी पत्थरी होती है वैसी पत्थरी होती है। ये कुछ नहीं बने, पता ही नहीं पड़ेगा, बहुत सारी जगह है यहाँ की डॉक्टर है। अगर वो ये कहे कि मेरे दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो या तो यही है कि आप एक्सरे करवा दें तो मालूम पड़ जाएगा तो इसमें पत्थरी वर्ग में पत्थर के टुकड़े आ जाएगा, एक्सरे में आ जाएगा, या फिर कभी ये कहे पेट में यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ दर्द होता है, कोई एक स्पॉट पर दर्द होता है, पूरे पेट में दर्द होगा पत्थर नहीं है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, मगर वो एक स्पॉट पे दर्द होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, या फिर जिसको पेशाब रोक रोक के आता हो, पेशाब आते समय बहुत जल्दी होने लग जाए तो समझ लीजिए कि जरूर उसकी ब्लड में पत्थर, ये तो निशान गारंटी साथ है। बट पेशाब रुक रुक के आने लगे आधे घंटे तो उसको पेशाब करना पड़े, तो लोग ऐसे होते हैं जो 15 मिनट से पहले पेशाब उतरता ही नहीं, रुक रुक के पेशाब आता है, तो समझ लीजिए बीच में पत्थर है इसलिए पेशाब रुक रुक के आता है, तो बहुत जल्दी होती है ये पहचान है। क्यों ऐसा होता है, अपने पेट में से भी निकाल सकते हैं, किसी के पेट में से निकालूं भाई, हाँ निकाल सकते हैं, क्या दोस्त रुंडी तो दिन बनाने 12 बज के और आप खा लीजिए, समझ सकता है रुंडी की 100 ग्राम कितनी रुंडी बनेगी सर, इतनी तो बनेगी उसे बनाएंगे किसी से बना ले खा ले रख पीस और क्या, 100 ग्राम रुंडी होगी कितनी सर, और उसकी छोटी चलेगी कितनी, कोई नहीं बनेगी वो तो मंगी 12 बत्तीस सोनेगा के नाम होते हैं, और यहाँ तो सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं भाई, मगर ये एक ही